हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दादी के ढाबे में आपको स्वागत है। आज हमारी दादी बनाने जा रही है किशमिश, तो अभी दादी बताएंगे कैसे बनाना है। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। दादी के ढाबे में आपका इस्तकबाल है। अभी अंगूर का सीज़न है, अंगूर बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। बच्चे इतने ज़्यादा अंगूर नहीं खा रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो अंगूर की किशमिश बना लेते हैं। तो मैं आज आपको अंगूर की किशमिश बनाना बताऊँगी। इसके लिए मैंने अंगूर लिए हैं। अंगूर के एक एक दाना हम तोड़ के एक भगोने में रख लेंगे। इंडक्शन पर मैंने एक भगोना रख दिया है, उसको मैंने आधा भगोने को पानी से भर दिया है। ये देखिए पानी हमारा पक रहा है। अब इस पर हम एक छन्नी रखेंगे और छन्नी में वो धुले हुए अंगूर जो हम अच्छे से धो लेंगे उसको हम छन्नी में डाल देंगे और उसके बाद फिर हम उसको ढक्कन से ढाँक देंगे। जब तक उसमें शल ना पड़ जाए अंगूर में, तब तक हमें इसे भाप देना है। अंगूर को हमने भाप देते हुए 20 मिनट हो गए। अब हम ढक्कन खोलेंगे और ये देखिए हमारे अंगूर में शल पड़ गए हैं, तो यानी हमारे अंगूर अच्छे से उबल गए हैं। अब इसे हम टेरेस पर ले जाकर कपड़ा बिछाकर फैलाएंगे। टेरेस पर मैं आ गई हूँ। मैंने ऑयल का एक कपड़ा कार्टन का बिछा लिया है इसके ऊपर छत पर। अब इस पर हम अंगूर डालकर फैला देंगे। जो हमारे उबले हुए अंगूर हैं उसे हम डालेंगे। अब मैंने सब अंगूर भी इस पर डाल दिए हैं। अब मैं इन्हें एक एक करके सब अलग अलग करके फैला दूँगी और इसको हमें 2 दिन की धूप लगाना है, तब हमारी ये किशमिश बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए सबको अलग अलग करके हम फैला देंगे। अंगूर को अच्छी धूप लग गई थी, मैंने इसको किशमिश को 2 दिन धूप दिखाया। ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसी किशमिश हमारी बनके तैयार है। आप इसे 2 दिन धूप दिखाएंगे तो ये बहुत अच्छी हो जाएगी। माशाल्लाह खाने में भी बहुत अच्छी लग रही है। आप इसे घर पर ज़रूर बनाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखें। अगली वीडियो में मैं आपसे इंशाअल्लाह ताला दोबारा मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।